5 तारीख को हमारे यहाँ पे इवेंट है, आपको अपने लिए वेलकम है। अगर आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, मानवता की सेवा के लिए, बिल्कुल वेलकम है। आप लोग आ रहेंगे? बिल्कुल आएंगे। तारीख को हमारे इवेंट हो रहा है ब्लड डोनेशन का, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन भवन है हमारा, संत निरंकारी भवन गोल बाजार जबलपुर में है, ठीक है? आप सबों को पता होगा 5 तारीख ब्लड डोनेशन कैंप है, आप सभी को आना है, ठीक है? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं और इन्हें देखो पैम्पलेट फेंक के जा रहे हैं। मैम, हम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन से हैं। हाँ तो मैम, 5 मई को मैं हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, क्या कभी आपने ब्लड डोनेट किया? नहीं, मेरे को शुगर और डायबिटीज दोनों मैंने करूँगी। अच्छा मैम, तो मानवता की सेवा के लिए हम इस मैसेज को आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ये रख लीजिए आप। मैम आंटी तो कर नहीं सकती, आप ही करिएगा ब्लड डोनेट। ओके मैम, क्या कभी आपने ब्लड डोनेट किया? नहीं। क्यों? मेरा हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है मैम, आप लोग इस मैसेज को शेयर करिएगा 5 मई को। आज ये मानवता की सेवा जो हम कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर जब इनको एक दिन ज़रूरत पड़ेगी तब इन्हें आज के दिन का एहसास होगा। हम माँ बाप में ही कमी है कि जिंदगी की भाग दौड़ में सिर्फ अपने बच्चों को पैसा कमाने, करियर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। आज मेरी बेटी उस बच्चे को गिड़गिड़ाते देख मुझे ही इंसानियत का पाठ सिखा रही है जो मैं उसे कभी नहीं सिखा पाई। मेरी शिक्षा में ही कमी रह गई, मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सभी से मेरी विनती है, अपने बच्चों को दुनियावी शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी दें।
रक्तदान करते रहें और दूसरों की जान बचाते रहें। जात मजहब बंधन से ऊपर गुरु हुकुम अनुसार हम सेवा को तैयार। सफाई के अभियान चलाते रक्त